सभी मित्रों को नमस्कार। मंत्र जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ये मैं किसी के लिए धात की दवा पैक कर रहा था, धात चिपचिपा पानी। ये दो लोगों के लिए, एक लोग के लिए और मैंने दवा रखी है, तो ये मैं पैक कर चुका था। तो मैंने कहा कुछ भाइयों को जानकारी दे दूं, और ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरी देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है वीडियो देखिए, जो काट के वीडियो देखता है, जिनके पास सुनने का समय नहीं होता है, अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई समय नहीं निकाल सकते तो आप कभी नहीं ठीक हो सकते। लोग गलत आदत और गलत संगत, गलत जगह जाने के लिए सबके पास समय होता है, लेकिन अपने लिए ही आजकल इतनी लाइफ लोगों की बिजी हो गई है कि अपने स्वास्थ्य के लिए भी लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप तभी पैसा कमा सकते हो, आपका तभी मन लगेगा। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही है तो आप काम तो करोगे लेकिन मन लगा के काम नहीं कर पाओगे, बिना मन के काम करोगे, क्योंकि आधा ध्यान तो आपका अपने स्वास्थ्य के प्रति चला जाएगा, और दिन भर आप यही सोचते रहेंगे मैं ठीक होऊंगा या नहीं ठीक होऊंगा। ज़्यादातर ये दिमाग को खोखला कर देता है। तो ये उनके लिए मैं दवा बना रहा हूँ जिनको चिपचिपा पानी आता है। और देखिए, चिपचिपा पानी एक ऐसा अहम मुद्दा है, ये ऐसी बीमारी है जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है, लोग क्या करते हैं, वीर गाढ़ा करने की और ताकत की दवा खाना शुरू कर देते हैं, और इस बीमारी को मामूली सी बीमारी समझ के इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग का क्या होता है, वो मर्दाना ताकत की दवा खाते रहते हैं। चिपचिपा पानी वालों को क्या होता है, जब वो संभोग करने जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो लिंग स्टैंड जब होता है उस समय तो फुल इरेक्शन में होता है, लेकिन जहाँ हल्का सा चिपचिपा पानी आता है उनका लिंग तुरंत ढीला पड़ जाता है, या करते करते ढीला पड़ जाता है। तो ये बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है, इसको लोग मामूली समझ के अनदेखा करते हैं। और क्या करते हैं, उनको जब ये प्रॉब्लम आती तो वैद्य के पास वो जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि मेरे लिंग में तनाव की कमी है, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे स्टैंडिंग पावर हो। वो स्टैंडिंग पावर की दवा मांगने लगते हैं, ढीलापन बता देते हैं, और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर वो ये नहीं बताते हैं। और कुछ हकीम भी जो बैठे हुए हैं ऐसे ही आजकल झोला छाप, जो केवल पैसे ठगने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए बैठे हैं। मैं अच्छे हकीमों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं खराब लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनको सिर्फ पैसा दिखता है, मरीज का स्वास्थ्य नहीं दिखता है, और उनको ये भी नहीं दिखता है कि सामने वाला बंदा किस जुगाड़ से पैसा लाया है, कितनी मेहनत उसने की है, या कर्जा लिया है, क्या कितनी मुसीबत से वो पैसा लाया है। उनको इससे मतलब नहीं होता है, उनको मतलब सिर्फ होता है अपनी जेब गर्म करने से। तो ऐसा हकीम, उसको हकीम नहीं कहा जाता है। और हकीम का काम हिकमत करना है, हिकमत का मतलब ही होता है लोगों का भला करना, अपने मरीज के स्वास्थ्य पे ध्यान देना। ठीक, अगर आप पैसा किसी का ले रहे हो तो उसको अच्छी दवा दो। देखिए, ठीक करने कराने वाला भगवान है, लेकिन अपनी तरफ से आप ईमानदारी से अगर काम करोगे तो भगवान भी उसमें जो है शिफा दे देता है, वो भी भला कर देता है, उसकी भी कृपा होती है कि मेरे बच्चे का, मेरे भक्त का, मेरे सेवक का नाम नीचा ना हो। अगर ये, क्योंकि नेकी में भी बहुत दम होती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, वो पावर की दवा खाते रहते हैं, पावर की दवा खाते रहते हैं। एक हकीम के पास गए, दूसरे हकीम के पास गए, या तो उन हकीमों को नॉलेज नहीं होता है। हाँ, अगर सही हकीम के पास पहुंच जाते हैं तो वो जिंदगी बिता देते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, वो बुढ़ापा तक इलाज कराते रहते हैं, वो खाली दवा कराते रहते हैं, एक दिमाग में ये बैठा ले रहते हैं, एक मतलब उनकी जिंदगी इस कदर कटती रहती है कि अब यहाँ ठीक होंगे। तो कुछ ऐसी वीडियो देखते हैं, कुछ ऐसा टाइटल देखते हैं, कुछ लोग ऐसे 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 शब्द लिख देते हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ, कि लोग आकर्षित होके उसकी तरफ चले जाते हैं। ठीक, जब उसकी तरफ चले जाते हैं तो उनकी एक उम्मीद जागती कि यहाँ ठीक होंगे, फिर वो उससे इलाज करवाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ठीक नहीं होते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने पार्टनर के नज़रों में शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं, नज़र नहीं मिला पाते हैं, उनका पार्टनर मजबूरी बस किसी दूसरे से संपर्क बनाता। हाँ, जिनकी पत्नी अच्छी है तो वो बर्दाश्त करके इसी तरीके से रह लेती है। ठीक, तो ये बीमारी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, आपको अगर चिपचिपा पानी, धात, स्वप्न दोष है, और ये मैं उनको देता हूँ ये दवा, ये थोड़ी महंगी पड़ती है,
जो इलाज करके थक चुके हैं हर तरफ से, धात स्वप्न दोष 5 5 10 10 साल हो गए, उनका चिपचिपा पानी स्वप्न दोष रुक ही नहीं रहा है, ये मैं उनको देता हूँ। तो मैंने जानकारी इसलिए देना चाहा कि आप अपना पैसा मत बर्बाद करिए और समय भी मत बर्बाद करिए। देखिए ताकत की दवा खा खा के आप अपना लीवर भी खराब कर लेते हो, गर्मी ऊपर से बैठा लेते हो, धात चिपचिपे पानी की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो इलाज शुरू करने से पहले कब्ज को ठीक करिए, गर्मी अगर है मैदे मसाने में गर्मी ठीक करिए। ये दवा मैं जो देता हूँ ये मैदे मसाने की गर्मी को भी ठीक करता है, मसाने को ताकतवर बनाता है, 10 दिन के अंदर अंदर ही धात चिपचिपा पानी को रोकने लगता है, बहुत ही गजब का रिजल्ट देता है। तो चिपचिपा पानी अगर आपका देखिए बंद हो गया, जब जब आप इस प्रॉब्लम को बंद कर लोगे तो ऑटोमेटिक जो अगर चिपचिपा पानी की आप खुद गौर करिए कि चिपचिपा पानी आने के बाद आपका लिंग तनाव में नहीं आ रहा है, पैसे तो तनाव में है फुल लेकिन चिपचिपा पानी आने के बाद डाउन हो रहा है। तो आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जिस कारण से मेरी प्रॉब्लम हो रही है मैं उस कारण को ठीक करूं। तो सबसे पहले आप चिपचिपे पानी को दूर करें। मैंने नुस्खा भी बहुत गजब का बताया, ये नुस्खा देखिए महंगा इसलिए पड़ता है, इसमें मैं गिलोय सत्व और मुलेठी सत्व अपने हाथ की बना के डालता हूँ और कुछ जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, इसलिए महंगी पड़ती है। लेकिन अभी तक मैंने जितने मरीजों को दिया मुझे न निराशा हुई और न उस मरीज को निराशा हुई। ठीक, इसके बाद मैं कामदेव कैप्सूल का कोर्स करवाता हूँ, अगर कसर बची होती तो संखिया वाला नुस्खा दे देता हूँ, नहीं तो कामदेव कैप्सूल खा के ही कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है। तो देखिए मैं नुस्खा पहले एक बता भी चुका हूँ, फिर भी अगर जैसे कुछ लोग ये नहीं मंगा सकते हैं, इसकी कीमत मैं बता भी दूँ 2500 रुपये की 1 मंथ की है, जिसके साथ मैं अक्सीरी दवा एक पेट की देता हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके पाचन को मजबूत करती है, आंतों की खुश्की को ठीक करती है, उस साथ में मैं देता हूँ। अगर आपको एक नुस्खा भी मैं बता दे रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया है, इस पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया लेकिन इस नुस्खे को जरूर बनाया, धात स्वप्न दोष चिपचिपा पानी आपका इस नुस्खे से भी रुकेगा, मैं बता दे रहा हूँ। तुख्म काहू, तुख्म कासनी और धनिया, अजवाइन खुरासानी, खुरासानी अजवाइन लेना है, सादी वाली सिंपल अजवाइन नहीं लेना है, तुख्म खीरा, नीलोफर जिसे कमल के फूल भी कहते हैं, सूखे भूसी इसबगोल और कुंजा मिश्री, आजकल कुंजा मिश्री तो जल्दी पंसार के यहाँ मिलती नहीं है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो धागे वाली मिश्री आपको डाल लेना है। सभी चीज़ें जो है बराबर बराबर मात्रा में लेना है, आप जितना भी बना लीजिए, 6 6 ग्राम सुबह शाम सादे पानी से या तो शरबत बजूरी मोतदिल से इसको लेना है, 30 दिन में पूरी तरीके से आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप ताकत की दवा खाइए, कोई भी दवा खाइए, सब दवा सूट करेगी, नामर्दी आपकी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इलाज का सही तरीका यही है, और परहेज में गुड़ नहीं खाना है, गर्म चीज़ नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, खटाई अंडा शराब दूध भी नहीं पीना है, धात स्वप्न दोष के रोगी को दूध नहीं पीना चाहिए। तो मित्रों ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, पैसा और समय मत बर्बाद करें। देखिए इलाज का तरीका अगर सही हो, अगर आपको मालूम है कि अगर कि निशाना हमको कहाँ लगाना है, अगर आपका निशाना सही है तो आप कामयाब हो जाओगे पहली बार में ही, लेकिन अगर निशाना नहीं सही है आप बार पे बार करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, नहीं कामयाबी मिलेगी, पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा और पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। ठीक, और अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं किसी भी व्यूवर्स का जवाब जरूर देता हूँ, कॉल पे भी मैं जवाब देता हूँ, मैं सबका जवाब देता हूँ कोई भी मेरे से सवाल करता है। तो मित्रों धन्यवाद, और अगर मुझसे भी आप इलाज करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं।